हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर, जिसका नाम है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब के सामने हूँ और आज मैं आपसे थोड़ी सी बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि वर्क तो आजकल विंटर्स में कुछ भी क्रिएटिव करना और कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मगर आज मैं अपने मन की थोड़ी सी बातें करना चाहती हूँ और इसलिए मैं आप सबके सामने आई हूँ। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी बातों को अपने लिए भी फॉलो करिएगा और अपने यूट्यूब फैमिली में। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि घर पे भी स्टाइलिश लगिए और स्टाइलिश दिखिए। घर पे भी हम लेडीज़ सोचते हैं, अरे कौन ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, और जैसे तैसे चल जाता है, मगर नहीं, विंटर्स में तो वैसे फ़िलहाल इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अपनी भी केयर, घर की भी केयर, बच्चों की भी केयर करनी है, तो इसलिए, मगर फिर भी फ्रेंड्स, अपनी भी केयर कीजिए और अपने आप को भी आगे बढ़ाइए, निखारिए। और मैंने कहा था कि हम सबको विंटर्स में हो जाए, नए साल पर कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, और इसीलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आई थी। और फ्रेंड्स, कुछ बातें मुझे बहुत ज़्यादा खलती भी हैं, कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी भी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय विंटर्स में मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी क्रिएटिव वर्क नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही देखिए यूट्यूबर्स के कम ही वीडियोस आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विंटर्स में पॉसिबल नहीं है, हम हाउसवाइफ्स के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं कम वीडियोस डाल पा रही हूँ। तो प्लीज़ बस, और यही कहना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहती थी कि हम सभी को कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहिए और कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों का अच्छे से, मतलब जैसे कि हम कुछ भी चाहते हैं और अपने हस्बैंड से या किसी से भी आप अपेक्षाएं कम रखिए, खुद करते रहिए, खुद ही अपने उसमें लगे रहिए, काम में लगे रहिए, किसी से अपेक्षा कम करिए। अपेक्षा जब आप रखेंगे ज़्यादा तो आपको दुख का सामना करना पड़ेगा, तो किसी से भी अपेक्षा कम करिए। कह दीजिए अगर वो एक बार में कम कर देते हैं, एक बार दो बार कहने से कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करना है, नहीं करते हैं, तो फिर उनसे अपेक्षाएं ही कम रखिए। जिससे अपेक्षाएं जब कम होती हैं, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे पति हों या कोई भी हो, तो जब हम अपेक्षाएं कम रखेंगे तो हमें इतना दुख नहीं लगेगा। अगर हम अपेक्षाएं ज़्यादा रखेंगे किसी से भी तो दुख हमें ज़्यादा लगेगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी अपेक्षाओं को, अपनी आशाओं को, उम्मीदों को किसी के लिए भी ज़्यादा ना सोचें और ज़्यादा ना रखें, यही कहना चाहती हूँ। क्योंकि हम सबसे एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं, ठीक है ना, हम एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं और फिर उसको ना पूरे होने पे हम दुखी होते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, किसी से अपेक्षाएं रखना, एक्सपेक्टेशन रखना ही कम करते हैं, चाहे वो बच्चे हों। अपना कर्म हमने किया, हमने बच्चों को बड़ा किया, पाला पोसा, उन्हें बड़ा किया, मगर उनसे हम कहें कि वो भी हमारे साथ वैसा ही करें। अगर हम नहीं रखेंगे अपेक्षाएं तो वो शायद हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। अगर हम उन्हें पिंच करेंगे, उन्हें बार बार कहेंगे, उन्हें बार बार, तो हो सकता है वो उसको ना फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी कुछ और टॉपिक पे मैं सोचूंगी और बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, बाय।